नमस्कार। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक ग्रह एक निश्चित समय अवधि पर अन्य ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन और देश दुनिया पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि शनि देव 30 साल के बाद कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और 27 फरवरी को बुध ग्रह कुंभ में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह और शनि देव में मित्रता का भाव है, इसीलिए ज्योतिष में इस युति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसीलिए इस युति का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा, लेकिन 3 राशियां ऐसी हैं जिनके इस युति के बनने से अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। मेष राशि। आप लोगों के लिए शनि और बुध ग्रह की युति अनुकूल सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ये युति आपकी राशि से 11वें भाव में बन रही है, जिसे इनकम और लाभ का भाव माना गया है। इसीलिए इस समय आपकी इनकम में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। साथ ही पूर्व में किए काम का भी आपको इस समय अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको आर्थिक मामलों में और कारोबार में भाग्य लाभ दिलवाएगा। वहीं कारोबारियों की इस अवधि में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जिससे भविष्य में लाभ हो सकता है। वृष राशि। शनि और बुध की युति वृष राशि के जातकों को करियर और व्यापार के लिहाज से शुभ साबित हो सकती है, क्योंकि ये युति आपके गोचर कुंडली के कर्म भाव पर बन रही है। इसीलिए ये अवधि काम कारोबार के लिहाज से शुभ साबित हो सकती है। साथ ही जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी पदोन्नति की बात चल सकती है। साथ ही इस समय आपको कार्यस्थल पर जूनियर और सीनियर का सहयोग प्राप्त हो सकता है। वहीं व्यापारियों के लिए ये अवधि शुभ सिद्ध हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए काम की आप शुरुआत कर सकते हैं। कारोबार में विस्तार के भी योग हैं। इस समय आपका पिता का सहयोग प्राप्त होगा, साथ ही उनके साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। मिथुन राशि। आप लोगों के लिए बुध और शनि की युति सुखद और लाभदायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ये युति आपके भाग्य स्थान पर बन रही है। इसीलिए इस समय आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। साथ ही धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि हो सकती है। वहीं जो आपको इस समय योजनाओं में सफलता मिल सकती है। साथ ही इस समय आप काम कारोबार के सिलसिले से यात्रा भी कर सकते हैं, जो शुभ साबित हो सकती है। छात्रों के लिए ये अवधि शुभ सिद्ध हो सकती है, मतलब जिन छात्रों का इस समय इंटरव्यू है तो उसमें उनको सफलता मिलने के योग हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आस्था जगत की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।